एसएम न्यूज़ में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर और ऐसी इमारत की हम बात करेंगे जो मुग़लों के शासन के अंदर इसी इमारत को बनाया गया, जिसको लाल किले के नाम से जाना जाता है। और मैं अनुरोध करूँगा ये दिखाएं लाल किले को कि आज जो ये धरोहर है, ये धरोहर कुछ खतरे में नज़र आ रही है और ख़तरे में किस तरीके से नज़र आ रही है ये आपको मैं अभी बताने जा रहा हूँ कि ये जो लाल किला है ये पूरा लाल पत्थर से बना हुआ है, इसका नाम लाल किला बना है। जो लाल पत्थर आप देख रहे हैं, पत्थर ये बहुत भारी भारी पत्थर और इतने सुंदर पत्थरों से इसको बनाया गया है और ये बिल्कुल जमुना जी के किनारे पे है, जमुना जी के नज़दीक है। किसी टाइम में ये देखा गया था कि जमुना जी इसके साथ में चलती थी, जमुना जी इसके अंदर चलती थी और यहाँ जगह जगह तालाब बनाए गए हैं और जगह जगह नहाने का व्यवस्था की गई थी। जो अंग्रेजी मुग़ल शासन के अंदर, जब आपने देखा कि मुग़ल शासन के अंदर और ये आप जो ये लाल किला है आप देख रहे हैं, ये इतना सुंदर इमारत है कि चारों तरफ पेड़ लगे हुए हैं और सुंदर हैं। और ये पार्क भी है जहाँ से मैं बोल रहा हूँ, ये पार्क है, यहाँ पार्किंग का काम होता है और यहाँ शादी विवाह होते हैं, यहाँ मेला लगता है और यहाँ इस लाल किले के अंदर करोड़ों रुपये महीने की आमदनी होती है, करोड़ों रुपए की आमदनी होती है। यहाँ शादी भी होते हैं, ब्याह भी होते हैं और वक्त वक्त पर यहाँ समय समय पर यहाँ मेला लगता है, जुलूस होते हैं यहाँ पर। और ये आप ये देख रहे हैं कि जो ये लाल किला है और ये जो तिरंगा झंडा ऊपर फहराया जाता है और इसकी जो 13 मई 1638 से इसको बनाने का नंबर लगा था, 13 मई 1638 से इसको बनाने का काम हुआ और ये काफ़ी दिन तक काम चलता रहा और उसके बाद में ये 1948 में बनकर तैयार हो गया। शाहजहाँ ने अपनी देखरेख में बनवाया और ये मुग़ल साम्राज्य का, ऐसे किले बहुत सारे हैं लेकिन मुग़ल साम्राज्य का ये 1857 तक 200 साल तक मुग़ल साम्राज्य के रूप में था ये। और ये किला बहुत ही सुंदर और ऐसे किले बहुत सारे हैं लेकिन अब ये जो किला है, जो स्वतंत्र किला था और इस पे हमारे जब देश आज़ाद हुआ, जब भारत आज़ाद हुआ तो 1947 को सर्वप्रथम प्रधानमंत्री माननीय जवाहरलाल नेहरू जी ने इसी लाल किले की चार दीवारी से खड़े होकर यहाँ झंडा फहराया था और अपनी स्पीच दी थी। अंतिम मुग़ल बादशाह बहादुर शाह जफर के समय से ही यहाँ जो ये झंडा लहराया जा रहा है वो इसी तरीके झंडा लहराया जाता था। और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी और ब्रिटिश सरकार थी इसी किले के अंदर बैठकर अपने काम करते थे और सारा कार्य इसी किले से चलता था। लेकिन बड़े दुर्भाग्य बात है कि जो अपने आप में एक स्वतंत्र था, आज वो किसी न किसी तरीके से आज अपने आवरू पर रो रहा है। क्यों रो रहा है? क्योंकि कुछ दिन पहले इस किले को गिरवी रख दिया गया माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। न जाने किस परिस्थितियों के अंदर इस किले को गिरवी रखा गया और जबकि यहाँ करोड़ों रुपए महीने की आमदनी है, यहाँ टिकट घर है, विदेशी लोग आते हैं, विदेशियों का देखने का किराया और होता है, जो यहाँ के भारत के लोग हैं उनका किराया और होता है। उसके बाद में यहाँ पार्किंग की जगह है और यहाँ मैंने अभी बताया आपको यहाँ मेले लगते हैं, ब्याह शादी का काम होता है। लेकिन उसके उपरांत माननीय प्रधानमंत्री जी के मन में क्या ऐसी बात आई कि आज इतनी सुंदर इमारत को जगमोहन डालमिया के यहाँ इसको गिरवी रख दिया गया। आप इसको देख रहे हैं कि इस समय पूरे भारत के अंदर एक चर्चा में है कि जो एक इमारत, स्वतंत्र इमारत थी जिसको हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी 15 अगस्त को यहाँ पर झंडा फहराते हैं और तिरंगा फहराते हैं और अपनी स्पीच देते हैं, अपने भाषण देते हैं, राष्ट्र को संबोधित करते हैं। लेकिन आगे जब 15 अगस्त आएगी तो जिसके हाथ में जिसका मकान होता है, जिसका घर होता है, वो अपने मकान को किस तरीके से सजाएगा, किस तरीके से सजावट करेगा, तो उसी तरीके से मैं बताना चाहूँगा कि जो 15 अगस्त आएगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी झंडा कहाँ लहराएंगे, किस तरीके से लहराएंगे, क्योंकि ये जगमोहन डालमिया जी ने अपने गिरवी रख ले लिया है। कैमरामैन गौतम के साथ मनोज पिप्पल।